हिट रही हैं। मुझे लगता है कि खेसारी जी के साथ शायद मुझे दर्शक देखना चाहते हैं, तो लंबा गैप हो गया तो अवैध कर रहा हूँ। नीरज रणधे जी एक ऐसे निर्देशक हैं जो मुझे हमेशा बुलाते हैं अपनी फिल्मों में। सॉरी यार, मैं उनकी कर नहीं पाया था क्योंकि मैं टीवी शो कर रहा था उस समय। इतनी सी खुशी मैंने किया है, बहुत अच्छा उसमें भी किरदार है मेरा। तो एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है भोजपुरी सिनेमा में अवैध को लेके, तो मैं उसमें दिखूंगा जल्दी ही। ये अवैध को लेके क्या कहना चाहें, 70 दिन का शेड्यूल, पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ बन रही है, और खेसारी जी, अमनी जी और एक नया चेहरा अपर्णा मलिक लॉन्च हो रही है। लॉन्च हो चुकी है आई थिंक, मेरे ख्याल से उन्होंने रितेश पांडे जी के साथ कोई फिल्म की है। खैर वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं दाद देना चाहता हूँ हमारे प्रोड्यूसर राजघराना के आदित्य भाई जी को, कि उन्होंने इतना बड़ा इतनी मतलब खेसारी जी को लेकर लोग एक एक फिल्म करते हैं, इन्होंने 2 फिल्म एक साथ ही कर ली। और नीरज रणधीर जी की कहानी बहुत कमाल होती है, उनकी पकड़ होती है स्टोरीज में। कहते हैं कि अब्बास मस्तान है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बढ़िया किरदार दिया, और इस फिल्म में बहुत कलाकार हैं, आपने तो देखा ही होगा सेट पे ढेर सारे कलाकार हैं, 40-40 दिन से सब लोग वहाँ शूट कर रहे हैं। मेरा गैप था तो मैं थोड़ा आ गया था, लेकिन अभी वापस जा रहा हूँ उसी सेट पे। और एक मैंने बोला ना कि एक्सपेरिमेंट है फिल्म भोजपुरी सिनेमा के लिए, मे बी ये पैन इंडिया हो सकती है फिल्म, मे बी ये सीरीज़ में भी आ सकती है फिल्म, कुछ भी तो कुछ अच्छा होगा इस फिल्म के साथ। इसलिए इतनी मेहनत में, इतनी गर्मी में सारी पूरी टीम, पूरी यूनिट 200-250 की यूनिट है लगी हुई है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। भोजपुरी की ऐसी फिल्म होगी जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड दिखे, चाहे पुलिस की पूरी फौज दिखेगी या पब्लिक का पूरा हुजूम दिखेगा? भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने बोला ना एक्सपेरिमेंट हो रहा भोजपुरी में, और बहुत नेचुरल रियलिस्टिक अप्रोच है, तो जितनी ज़रूरत होती है सब निर्माता हमारे पूरा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि निर्माता फिल्म चाह रहे हैं कि बड़ी बने, लविश बने, खूबसूरत बने। और साथ में आपको तो पता है खेसारी जी कितनी मेहनती है, साथ में यामिनी बहुत मेहनत करती है अपने किरदार को लेके। अपर्णा मलिक जी के साथ मैंने काम नहीं किया, मिला भी नहीं, तो अभी ये मैं जाऊंगा। और उसमें बड़े कुछ एक्टर्स तो ऐसे जिनका कमबैक हुआ भोजपुरी, महेश राजा जी है और भी कई एक्टर हैं उसमें, महेश राजा। हाँ तो मैंने उनके साथ टीवी शो किया था भांगड़ा प्रताप, तो हमारी मुलाकात हुई थी। तो इस तरह कहूँगा कि अवैध भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। जैसे बीच में आपको देखा था यामिनी जी के साथ और आपका सीन था, और ये पूरा प्रांगण, पूरा पुलिस छावनी जिसे हेडक्वार्टर जी जी बड़ा विशाल, और उसमें आप साइकिल से चल के आते हैं। हाँ मैं सस्पेंडेड रहता हूँ, तो और मैं जाता हूँ बहुत दिनों के बाद, तब तक वहाँ की DSP हो जाती है यामिनी जी, और मैं यामिनी से मिलने जाता हूँ। तो ये वहाँ का एक सीन था, वन शॉट ही हुआ, और वन शॉट के बाद डायरेक्टर और हमारे जो डायरेक्टर नीरज रणधीर जी, उन्होंने कहा कि 100 रुपया देव जी को दे दीजिए, 100 रुपये यामिनी जी को दे दीजिए। तो लगता खुशी होती है कि चलो शायद उनको अच्छा लगा है, और साइकिल का आइडिया मुझे लगा कि ये अच्छा है, तो हमने किया कि सस्पेंडेड है बहुत दिनों से, पैसे नहीं होंगे उसके पास, तो साथ साइकिल टूटी हुई साइकिल से चलता हुआ। तो ये है थोड़ा सा जो मिल जाता, हम तो कोशिश यही करते कि अच्छा हो जाए हमारे डायरेक्टर के साथ मिल के, और उनका आइडिया अच्छा लगता तो हम लोग करते हैं सब कुछ। ये बात करें खेसारी जी के साथ, जब भी आप आते हैं कुछ अलग सिनेमा लेके आते हैं, आपके फैंस खेसारी जी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि एक बार फिर आप और खेसारी जी स्क्रीन से? हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा मैं बताया ना, लंबा गैप हो गया था, काफ़ी समय हो गया था खेसारी जी के साथ काम कर किए हुए, और इस फिल्म से हम आए हैं साथ में, और बहुत ज़्यादा सीन तो नहीं है उनके साथ, लेकिन यह है कि समय बिताने को मौका मिलेगा और कुछ चर्चाएँ होंगी सिनेमा पर। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि खेसारी जी के साथ अच्छी फिल्में करूँ, आजकल तो बहुत चूजी हो गए हैं, बढ़िया फिल्म कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अभी उनकी फिल्में बढ़िया बढ़िया आ रही है सब, और देखिए तो मैं तो काफ़ी समय के बाद कम बैक किया हूँ, अब ऐसे ही बनना रहा, चलता रहे हमारा काम चल। एक सुपरहिट फिल्म थी खेसारी जी के साथ आपकी, जिसमें आप एक खेसारी जी की हीरोइन को हमेशा अपनाना चाहते हैं, और इस फिल्म में क्या खेसारी जी की हीरोइन फिर? नहीं नहीं, इसमें वो कहानी ही नहीं, मतलब स्टोरी का एंगल ही नहीं है हमारा, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो मेरा उनसे, मैं उनको पकड़ने के लिए लगा रहता हूँ, बस ये हम धर पकड़ प्रतियोगिता हमारी चल रही है, तो ये है अलग किरदार है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपको मैं हैदराबाद के आऊँगा? वो तो कमाल था, मेरी ज़िंदगी का बेस्ट खुशियों के पल में से है वो सिनेमा। जब भी मुझे मेरी जो पहचान बनी है भोजपुरी सिनेमा में, उसी फिल्म से बनी है सहराबाद, क्योंकि बहुत बड़ी टीम थी उस समय,
मेहंदी लगा रखने के बाद पूरी टीम हिट थी। मैं उसी टीम में नया किरदार आया था, क्योंकि मेहंदी लगा रखने में अवधेश भैया भी थे, संजय जी भी थे, बाकी सारे किरदार सब लोग थे ही। मैं पहली बार गया था और मैं पहली बार इतनी बड़ी बड़ी फिल्म में मैं मेन विलेन कर रहा था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अवधेश भैया का, जिनकी वजह से शायद मुझे वो फिल्म मिल गई। उसके बाद मेरे निर्देशक रजनीश मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे सेट पे बहुत काम सपोर्ट किया, साथ में निर्माता प्रदीप भैया का, अनंजय रघुराज जी का सेट पे ही थे रहते थे, हीरोइन काजल अडवाणी का जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और खेसारी जी तो मुझे हमेशा अच्छे एक्टरों की रिस्पेक्ट करते हैं वो। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि तुम सरस्वती पुत्र हो, तुमको काम मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमको काम खुद मिलेगा। तो मैंने कभी बोला भी नहीं उनसे, लेकिन जब भी मिलता हूँ काम के लिए तो काम पे ही ज़्यादा बातें होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है।